की भी सख्त टिप्पणी की है। एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है, जहरीली भी इतनी कि अगर आपने घर से बाहर कदम रखा तो आप हर सांस के साथ सिगरेट का एक कश जितना धुआं ले रहे हैं। सांसों का संकट एनसीआर में ऐसा बढ़ा कि गाजियाबाद में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए। गाजियाबाद डीएम ने प्री स्कूल से कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि गाजियाबाद की आबोहवा में प्रदूषण का जहर लगातार घुलता जा रहा है। सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास है। गाजियाबाद अभी भी रेड जोन में बना हुआ है। गाजियाबाद की आबोहवा के अंदर प्रदूषण का जहर घुला हुआ है और ये जहर सभी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे जो स्क्रीन है उस स्क्रीन की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की बात करें तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास है, यानी कि गाजियाबाद अभी भी रेड जोन में बना हुआ है, जो कि सभी के लिए सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। पॉल्यूशन और बदलते मौसम की वजह से बच्चों की सेहत खराब हो रही है। आलम यह है कि गाजियाबाद में ओपीडी के अंदर बच्चों और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते से लेकर थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से बढ़ा है पॉल्यूशन, और इसकी वजह से बच्चों में भी और बड़ों में भी सांस की भी दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है, किसी को कुछ स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यूजली और मौसम भी चेंज हुआ है तो कुछ बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड्स हैं ये मौसम की वजह से भी आते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ बच्चों के 200-250 मरीज रोजाना आते हैं, बुजुर्ग भी जो है एल्डरली पेशेंट भी 300 करीब आते हैं, तो एल्डरली पेशेंट करीब 10-15% में बढ़े हुए हैं। प्रदूषण की वजह से केवल एनसीआर के शहरों की हवा खराब नहीं है बल्कि आगरा में भी प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है। हालांकि प्रदूषण के बढ़ते असर को देखते हुए आगरा प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसके लिए आगरा कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने नियमों के खिलाफ कंस्ट्रक्शन कर रहे लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब पेड़ों पर पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। जितने भी पानी के टैंकर्स हैं उनके माध्यम से सुबह और शाम जो मुख्य मार्ग हैं उन पे लगातार छिड़काव के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इसमें नगर निगम, नगर पालिकाएं और प्राधिकरण और अन्य विभागों के भी टैंकर्स इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। तीसरा, जो स्मॉग गन्स हैं वो भी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या अगर नगर निगमों के पास उपलब्ध नहीं है तो वो किराए पे लें, लेकिन स्मॉग गन्स के माध्यम से भी छिड़काव भी किया जाएगा। और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, चाहे हमारी सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे PWD है या NHAI है या प्राइवेट भी जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन पे पानी का छिड़काव और स्मॉग गन्स की प्रेजेंस मैंडेटरी एनफोर्स कराई जाएगी। दरअसल बढ़ते प्रदूषण ने लोगों के सामने सांसों का संकट खड़ा कर दिया है। इस संकट से निपटने के लिए गाजियाबाद में जहां स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो वहीं आगरा में इसे रोकने के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। रामनगरी में दीपोत्सव के दौरान अयोध्या धाम के प्रवेश द्वार से ही राम मंदिर की झलक दिखाई दी और इसके लिए आकर्षक लाइटिंग से मंदिर और तीर्थधनुष के लिए रामलला की आकृति बनाई गई है। दीपोत्सव के दौरान भक्तों का स्वागत खुद प्रभु श्री राम